यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर एपिसोड। आज हम खेलने गए माइनक्राफ्ट। और आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम ढूंढने गए थे विलेज पर, हम नाकाम हो गए थे। पर आज हम बनाने वाले हैं एक स्विमिंग पूल मेरे घर के ऊपर, जो जगह मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पर हम बनाने वाले हैं। और हम सब पहाड़ को थोड़ा तोड़ फोड़ देंगे। और अब हम चलते हैं मेरे घर के अंदर। उससे पहले मैं एक डेकोरेट करूँगा सामने की तरफ। और ये ब्लॉक गलती से लग गया था उस वक्त। और अब मैं यहाँ पर एक स्पेस और मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर और एक यहाँ पर। और मैं उस तरफ भी ऐसे ही करने वाला हूँ, एक वहाँ पर। और मैं टॉर्च लगाने वाला हूँ सब तरफ, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं घर के अंदर और स्टेप्स की मदद से ऊपर चलते हैं और घर को थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। पहले इसे करेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक लगाना चाहिए मुझे, यहाँ पर गलत लग गया यहाँ पर। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। देखो भाई, यहाँ पर ना बहुत ही मिट्टी जमी हुई है। सब कुछ ले लो भाई, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ लूटो। मैं अब ना सब कुछ क्लीन करके एक शेप दूंगा और एक वाटरफॉल बनाऊंगा, जैसे कि आप मेरे पोस्टर पे देख सकते हो फर्स्ट थंबनेल पे। और अब मैं बनाऊंगा एक वाटरफॉल और उसकी मदद से मैं एक वाटर लिफ्ट भी बना सकता हूँ। वो कैसे आप देखिएगा लास्ट एंड में। अब मैं यहाँ पर इसे तोड़ देता हूँ और इसे तोड़ने में बहुत वक्त होगा। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर उसे तोड़ने में बहुत वक्त हो गया। अब मुझे, अरे यहाँ पर इसकी हेल्थ बहुत कम है, मुझे लगता है अभी ये टूटेगा। देखो भाई, टूट गया, अब टूटेगा। देखो भाई, इसकी लाइफ पहले से ही कम है। देखो भाई, टूट गया। अब मुझे नीचे जाके एक और क्राफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे नीचे जाकर अब क्राफ्टिंग टेबल को, मैंने जैसे आपको मैंने बताया नहीं मैंने क्या सब कुछ बनाया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर खाने पीने की और आयरन इंगट, जो मैंने माइनिंग करते वक्त लास्ट टाइम ढूंढा था, उसे रखा है अंदर। अब यहाँ पर बेड है और इतना ही है आज। अब और मैं इसे और भी अच्छा बनाऊंगा घर को। उससे पहले मुझे एक वाटरफॉल बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा देर लगेगा इसे बनाने। अब फालतू के काम छोड़ के मैं थोड़ा क्राफ्ट कर लेता हूँ। अरे ये नहीं यार, ये नहीं, मुझे कहाँ गई, हाँ यहाँ पर है। अब इसे लेने के लिए मुझे चाहिए, मुझे लगता है मेरे चेस्ट में बहुत वुड है और स्टिक्स भी है। अब मैं चल लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल के पास और क्राफ्ट कर देते हैं एक शवल को। और मैं आयरन इंगट भी थोड़ा सा ले लेता हूँ और चलते हैं यहाँ पर मेरे क्राफ्टिंग टेबल के पास। और मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए सब। अब स्टिक्स बना क्राफ्ट कर लेता हूँ, मुझे लगता है 16 स्टिक्स तो काफ़ी है। अब यहाँ पर मैं एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ आयरन की, और मुझे एक आयरन की स्वॉर्ड तो नहीं चाहिए, पिकेक्स चाहिए, एक शवल ले लेता हूँ एक। अब
शवल तो एक काफ़ी रहेगा। सॉरी गाइस डिस्टरबेंस के लिए, वो कुछ नोटिफिकेशन आ गया था और मैंने उसे प्रेस कर दिया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब मैं यहाँ पर एक शवल बना लेता हूँ, एक पिकेक्स भी बना लेता हूँ और मुझे एक और बार माइनिंग के लिए जाऊँगा, जो मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और अब मैं चल लेता हूँ मेरे चेस्ट के पास और इसे सब एक आयरन इंगट को संभाल के रख लेता हूँ। और मुझे अब सो लेना चाहिए, ऊपर जाने की कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऊपर तो मुझे ज़ॉम्बीज ही मिलेगी। मुझे ना थोड़ा डर है कि जो मैंने बनाया है ना स्टेप्स ऊपर की तरफ, मुझे एक एक बार डर लगता है कि ऊपर से ज़ॉम्बी ना आ जाए। देखो भाई, ये यहाँ पर ऊपर से गिरेगा नीचे नीचे तक। और मैं यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना, उससे पहले मुझे एक मतलब बकेट चाहिए, नहीं बकेट नहीं, अब मुझे थोड़ा ऐसे क्राफ्ट कर लेता हूँ। जितना मिलता है सब उठा लो भाई, मुझे ना इस शवल की कोई कमी पड़ने वाली नहीं है अब, क्योंकि मैंने बहुत सारा शवल को क्राफ्ट कर लिया है। अरे देखो भाई, मेरे पास शवल है और मैं मेरे स्वॉर्ड से उसे मार रहा हूँ। अबे शवल कहाँ गया, हाँ शवल मिल गई। अब मैं ना शवल इसे कट करूँगा। मैं ना बिल्कुल भी आयरन की चीज़ उतनी इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ना मैं यहाँ पर एक अगर मैं इसे इस्तेमाल करूँगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और मुझे फिर से क्राफ्ट करने पड़ेगी। क्यों, मुझे मेरी आयरन को वेस्ट नहीं करनी, वो बहुत मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए मुझे कुछ भी ना फन नहीं करना इसके साथ। अब मुझे लगता है ऐसा डिज़ाइन तो नहीं चलेगा, मुझे ना ज़ॉम्बीज मेरे घर के अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब मैं सबको कट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही। अब मैं सबको कट कर लेता हूँ इस साइड से और ये काम बस होने ही वाला है। अब देखिएगा भाई गाइस, मैं ना अगर मैं इसे बनाऊंगा ना, ये मेरे घर पे एक धमाकेदार लुक देगी, तगड़ी सी लुक देगी। और मुझे ना उसे देखने की एक्साइटमेंट अभी से हो रहा है। देखो भाई, अगर मैंने बनाया ना बहुत अच्छा लगेगा मेरे घर को। और आपको बताना ही भूल गया, मेरे ठीक पीछे ही घर की, मतलब ठीक पीछे नहीं बहुत जाना है, वहाँ पर एक माइनिंग की जगह है और वहाँ पर कोल ना मुझे बहुत मिलती है, इसलिए कोल की कोई कमी नहीं पड़ने वाली आज। देखो भाई, एक और शवल टूट गया, अच्छा हुआ कि मैंने बहुत शवल पहले से रख लिया था मेरे पास। अब ऊपर की तरफ चल लेता हूँ मैं। अब देखो भाई, जैसे मैं आया था ना, वो ज़ॉम्बीज भी वैसे ही आएंगे, इसलिए मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं सबको कट कर लेता हूँ। यहाँ पर सही से कुछ भी नहीं आना चाहिए और यहाँ पर इसे तो कट करने के लिए मुझे मतलब पिकेक्स चाहिए होगी। यहाँ पर ना मुझे पिक्स बहुत दिख रही है, मुझे खाने की इंतज़ाम करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सामने हाजिर हो जाएगा मेरे। मैं नीचे, अबे यार पहले से मेरी लाइफ थोड़ी सी थी, अब और छोटी और कम हो गई। अब मैं ना नेक्स्ट वाले एपिसोड में ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं माइनिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं ज़रूर वहाँ पर गोल्ड या डायमंड तो ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं बहुत गहराई तक जाऊँगा, इसलिए मैंने सब कोल स्टिक सब कुछ रेडी कर दिया है। मैं 64 मतलब जितनी बनती है उतनी टॉर्चेस ले जाऊंगा। और यहाँ पर देखो भाई कितनी अच्छी लुक दे रहा है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अब मैं यहाँ पर भी कट कर लेता हूँ, नहीं 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 मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ द
तब अच्छी लुक देगी, और ऊपर से कट कर देता हूँ, मुझे लगता है अच्छा होगा, क्योंकि जब वाटरफॉल्स ज़िगज़ैग होगी ना वो बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए मैं ना पहले से ही मैंने कुछ आइडिया बना कर रखा है, और देखना भाई वो कितनी ज़्यादा जमेगी मेरे घर के लिए। अब ऊपर की तरफ थोड़ी देखते हैं कैसे करना चाहिए। देखो भाई कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा ऊंचाई है ये। अब मैं ना इससे ही थोड़ा डेकोरेट करूँगा हिल को। और देखो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये हिल एक अच्छे से शेप हो गई। देखना अच्छे शेप दूंगा इसे। अभी देखो भाई कितनी अच्छी शेप में आ गई ये हिल, वरना तो ये ज़िगज़ैग थी। अब मैं थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूँ मेरे वर्क को। अब देखना भाई साहब, मुझे पता है कि मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, देखो भाई साहब मेरी अच्छी बनेगी, पर क्या करूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं क्या कहूँ, मुझे मतलब क्या कहूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी खुशी हो रही ना, मतलब बहुत अच्छा होगी। मैंने पहले से इसकी डिज़ाइन मेरे मत्थे पे फीड कर रखी है। अब ना मैं ऊपर की तरफ थोड़ी कट कर लेता हूँ शेप देने के लिए। अब मुझे ऊपर जाना चाहिए। देखना भाई नेक्स्ट वाले एपिसोड में ना मैं अच्छा एपिसोड डालूँगा, देखना। पर आपको ना सबको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, प्लीज़। मैं आपसे विनती करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से हमारे वर्क को। अब ये ना फिनिश होने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्किप कर दूंगा इस पार्ट को। पर गुस्सा मत होना कि मैंने फुल नहीं दिखाया कि मैंने कैसे किया। देखो भाई ये ना ज़िगज़ैग करके आएगी ऊपर से। अब देखना बहुत अच्छी होगी मेरे घर। भाई साहब ये वीडियो को देखो भाई, ये वीडियो ना आज बहुत बहुत ज़्यादा वक्त का है, इसलिए बहुत टाइम लगेगा और आपको थोड़ा बोर भी लग सकता है। इसलिए मैं थोड़ा इस वीडियो को क्रॉप करूँगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, सिर्फ थोड़ा ही दिखाऊँगा इस वीडियो में। अब तो आपको बोर तो ज़रूर लगेगा मेरी वजह से, पर प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। मुझे लगता है आप मेरे वीडियो देखकर लाइक नहीं करोगे, पर देखना लास्ट को बनाने के बाद आप भी लाइक करने की चांसेस है, पर फिर भी प्लीज़ सिर्फ जिस सब ने देखा है ना इस वीडियो को, प्लीज़ उसे लाइक कर दो प्लीज़। और जो इस चैनल पे न्यू है ना उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये थोड़ा ही बचा है, पर देखना भाई, अरे यार मैं फिर से गिर गया। और यहाँ पर एक मिसिंग है, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक। देखो इतना तो कंप्लीट हो गया मेरे वाटरफॉल का। मुझे ना जब मैं और बड़ा घर बनाऊंगा इस वाटरफॉल को एक बार तो तोड़ना ही पड़ेगा, और फिर से मैं इसे रीबिल्ड करूंगा जब मैं उसे कट करूंगा तभी। और आपको जल्दी मैं बता दूंगा कि मैं इस घर को कब बड़ा करने वाला हूँ, अब देखिएगा।
मैं ना यहाँ पर उस को गिरने की एक जगह बनाऊंगा। जब वाटरफॉल गिरेगा ना, इस जगह पर ही गिरेगी, और जहाँ पर अगर मैं वहाँ पर मतलब जाकर वहाँ पर रुकूंगा ना उस जगह पर ही, तब मैं ना एक ऑप्शन आएगा, तब मैं ऊपर जाऊंगा। इसकी मदद से मैं जल्दी से ऊपर जा सकता हूँ। अरे यार, ये तो गलत लग गई, ये भी। अरे यार, ये नहीं, उसके साइड में लगा देता हूँ। ये डर्ट ना मेरी इस डेकोरेशन को ही ख़राब कर दे रहा है। पर देखो भाई, हो गया इतना। अब यहाँ पर से नीचे जाता हूँ, और मेरे पास आयरन इंगोट तो एक है। अब मुझे लगता है अब मुझे माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। अब देखता हूँ, एक बकेट से तो एक आयरन इंगोट से तो कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा उस जगह पर माइनिंग के लिए। पर मैं ना माइनिंग करते वक्त आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाने से, अगर मुझे आयरन इंगट नहीं मिली ना, मुझे फिर से डीप जाना पड़ेगा, और वहाँ पर मेरे इस आपको बोर लगने लगेगा। देखो भाई, 3 आयरन इंगट चाहिए। मैं ना बहुत लाऊंगा, 10 या 7 लाऊंगा आयरन इंगट। अब मैं सो के उठ चुका हूँ। अब मैं माइनिंग से वापस घर आ रहा हूँ। मैंने उस वीडियो को स्किप कर दिया था। अब मुझे पहले इसे फर्नेस में डालना पड़ेगा, आयरन इंगोट में बदलने के लिए। अब तो ये ब्लॉक में है, अब मुझे इसे पकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मीट है, इसे ले लेता हूँ। मेरे पास कुछ हेल्थ भी नहीं है, मैं वहाँ पर से गिर गया था। और ना यहाँ पर जब मैं आ रहा था, रुको, नहीं, वो अब नहीं था, वो उस वक्त था। अब मैं जब मैं आ रहा था ना, एक क्रीपर मेरे घर के अंदर था जब मैं जा रहा था माइनिंग के लिए, और मैंने उसे बाहर बुलाया, और एक और क्रीपर मेरे घर के सामने ही थे। वो बॉडी गार्ड के जैसे काम कर रहे थे मेरे घर के पास। पर मेरे घर तो फूटने से बाल बच गया। देखो भाई, मैं कितना आयरन इंगट लाया हूँ, एक और बकेट बनाओ भाई। अब आयरन की कोई कमी नहीं है। अब ना मैं वाटर कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं डाला, और इसे डाल के और कोल भी डाल देता हूँ, और ये पक जाएगा और मैं खाने के लिए ले जाऊँगा। अरे भाई, वो तो कुक ही नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, वो तो कुक ही नहीं हुआ भाई। देखो, मेरे पास वाटर बकेट है ना, उसे मैं इस वाटर से फिल कर दूँगा, और एक और बकेट फिल करूँ। अब चलते हैं हमारे घर के अंदर। मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था कि मैंने वाटर कलेक्ट की भी या नहीं, एक और बकेट पे मैंने की है। अब अंदर चलते हैं। अब ऊपर की तरफ चल के यहाँ पर एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना देते हैं। यहाँ पर एक डालो और ऑपोजिट साइड एक डालो, अब यहाँ पर क्रॉस बेक। देखो भाई, अनलिमिटेड वाटर सोर्स रेडी। अब मैं ना ऊपर की तरफ जाकर वाटरफॉल गिराऊंगा। अबे शीप के बच्चे, तू गिरने से कभी बाज नहीं आएगा। रुको, तुम्हें ना नेक्स्ट वीडियो में खूब पिटाई करूंगा तेरा, बहुत ही जिद्दी है तू। अब यहाँ पर कट करके मैं ऊपर की तरफ चल लेता हूँ डर्ट डाल के। अब यहाँ पर एक, अब देखो भाई, मैंने पहले से थोड़ा लेयर बना दिया है, मैं सब कुछ कवर कर डालूँगा, आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर वाटर है, पर ऊपर से ना वाटर तो नीचे गिरेगी ही, वो मेरा गारंटी है। देखना भाई, वाटर तो गिरेगी ही गिरेगी।
मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ वाटर तो गिरेगी। अब देखो मैं यहाँ पर एक मतलब एक जगह बना देता हूँ पानी के लिए, आपको वो दिखे ना वो, वरना मेरे पास मेरे पास बहुत डर्ट है, मेरे पास डर्ट की कोई कमी नहीं है। मतलब मैं क्रिएटिव जैसे खेल रहा हूँ मुझे लग रहा है इस डर्ट की वजह से, मेरे पास डर्ट की कोई कमी नहीं है, मतलब कोई कमी। अब यहाँ पर एक डाल दिया और भाई साहब एक और बकेट कहाँ गया? अरे मैं तो फिल ही करना भूल गया भाई, मारो भाई मारो मुझे मारो। अरे यार ये फिनिश हो, अब मुझे नीचे चलना होगा। अरे यार नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। अब नहीं, अरे बाप रे बाप, मेरे पास लाइफ ही नहीं है, मुझे खाना ज़रूर खाना तो मैंने खाया हुआ है, क्यों मतलब। अब मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स से दोनों बकेट को फिल कर देता हूँ यहाँ पर एक, और एक और बकेट फिर से भूल गया भाई साहब, जाने दो, वो अगली बार कर देंगे उस वर्क को। ऊपर जाने के लिए मुझे इस ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, अब ऊपर चलते हैं। अरे भाई साहब वो पानी गिर गया यार, मेरा घर तो पूरा बह गया, मेरा सब प्लान ही बिगड़ गया यार इस पानी की वजह से। अब मुझे ऊपर जाके इसे फिर से ठीक करना पड़ेगा, ऊपर जाओ और यहाँ पर मुझे इसे मतलब यहाँ पर से बंद कर देना चाहिए, अब बंद कर देते। अरे भाई साहब अब मैं इस पानी की वजह से बच गया यार, अब नीचे तो स्विमिंग पूल बन गया होगा। अब मैं चल लेता हूँ ऊपर की तरफ फिर से और पानी डाल देते हैं वहाँ पर। मैंने एक और बकेट भी फिल कर दिया जैसे मैंने कहा था उस वक्त। अब ऊपर की तरफ चल लेते हैं, इसे पहले मतलब फिल करो भाई, वरना एक और बार पानी गिरना शुरू हो जाएगा। अब मैं ऊपर की तरफ चल लेता हूँ डर्ट डाल के। अब यहाँ पर तो हो गया वहाँ से एक और यहाँ से एक, ओके भाई साहब ये तो ठीक हो गया। अब मुझे नीचे जाके मेजर करना पड़ेगा वो कहाँ गिरता है, मतलब ये कहाँ दिखता है ये वाला पूल, मतलब पूल की तरह ही एक वाटर अनलिमिटेड वाटर सोर्स। अब यहाँ पर से मुझे कट करना पड़, यहाँ पर इसे निशानी के तौर पे रख देता हूँ। अब मैं ऊपर जाके इसे फिल करूँ, मैं तो मरते मरते बच गया भाई साहब। अब मुझे जल्दी से इसे कट करके फिर से ऊपर जाना पड़े, मेरी लाइफ देखो भाई, अगर मैं एक और बार गिर गया ना मेरे तो जान ही चली गई। अब मैं यहाँ पर से मुझे कट करना पड़ेगा इसे, कट करो भाई कट करो। अब देखना भाई साहब आप दंग रह जाओगे, अब देखो इस दोनों को तोड़ भाई, अब देखना भाई साहब मेरा ना सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब नीचे देखो, देखो भाई साहब कितना ज़्यादा तगड़ी लुक दे रहा है हमारे घर के लिए। अब ऊपर जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं सो के फिर ऊपर जाऊंगा और फिर से मेरे वर्क को स्टार्ट कर देता हूँ ऊपर जाके। ऊपर जाते हैं, देखो भाई साहब ये कितने अच्छा तगड़ा लुक दे रहा है मेरे, मतलब मेरे घर के लिए। देखो भाई पर वहाँ पर थोड़ा डार्कनेस है, मैं टॉर्च लगा दूँगा वहाँ पर, वरना देखो भाई वहाँ पर बहुत अंधेरा है। अब मैं ना यहाँ पर एक शिप जा रहा है, इसे मेरे पास थोड़ा भी लाइफ नहीं पहले से। देखो भाई देखो अंधेरा है, अंधेरा मेरे वाटरफॉल में है, अंधेरा मुझे ही हंसी आ रहा है वहाँ पर अंधेरा देखकर। मुझे पहले अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि वहाँ पर इतना अंधेरा होगा, अब मुझे पता चल रहा है वहाँ पर बहुत बहुत मतलब बहुत अंधेरा है। अब मैं ऊपर की तरफ चल लेता हूँ और इसे कट करना चाहिए या नहीं, पहले इसे कट करो, ये अच्छी लुक नहीं दे रही हमारे मतलब इसको।
अब इसे मैं फिर से ऊपर जाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और मैं ना अब देखो, ये देखो भाई कितनी अच्छी से, अब मुझे उस तरफ जंप करना पड़ेगा। ओ सक्सेस, अब मैं ना यहाँ पर से, मुझे लगता है मैं ना अब एक मतलब इसे ढक दूँगा पूरी तरह से, इस तरफ से ढक दूँगा, मतलब कोई भी ज़ॉम्बी इसमें आके गिरे ना इसे ढक रहा हूँ। अगर मैं ढकूँगा नहीं ना, वो ज़ॉम्बीज बार बार मेरे घर के अंदर ही सीधे आ जाएंगे, वो भी बिना टिकट के। अब मुझे ना इस पानी को कैसे भी करके नहीं इस तरफ रोकना है, क्योंकि इस तरफ बहुत ज़्यादा हो गए प्लेस। अब इसे कट कर देते हैं, तब ना मेरे घर के बिल्कुल मिडल में ही दिखेगा वो, इसलिए मैं इसे कट कर दिया। अब इस लेवल को नहीं रुको रुको, अब मैं मेजर ओके इस सबको कट कर देता हूँ, तब अच्छा दिखेगा। अरे यार मैंने पिकेक्स तो रखा है, अब देखते हैं, मेरे पास एक ही हेल्थ है भाई साहब। अगर मैं गिरा ना एक बार, मैं तो पक्का मर ही जाऊँगा। अब देखते हैं यहाँ पर कट करके क्या होता है। अरे भाई साहब मेरा घर दिख गया। अरे यार ये बिल्कुल नहीं चाहिए, अब यहाँ पर कट करो भाई साहब। अरे मेरे घर, ये कहाँ पर मैंने बनाए यार, ढक दो भाई ढक दो, ये बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ पर सब कुछ कट कर दो, फालतू की कुछ नहीं चाहिए मेरे घर के पास। अभी सबको कट करके मैं उठा लेता हूँ, मतलब देखो भाई अगर मैं कट करूँगा तो मुझे ही फ़ायदा है, मुझे ना डर्ट बहुत मिल जाएगी जिसकी मदद से मैं बहुत काम कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस सबको कट कर लेता हूँ। मैं ना यहाँ पर सब कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर सब कुछ दिखाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं सब कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर सीड्स है भाई, उठाओ उठाओ, मुझे फार्म बनाने में बहुत यूज़ आएगी। मतलब आप सोच रहे होंगे मैं फार्म बना रहा हूँ या नहीं, मतलब सारे घर के काम होने के बाद मैं ना एक फार्म बनाऊँगा जिसमें गाय भैंस नहीं है, मतलब गाय भैंस और मतलब हॉर्सेस भी रखूँगा सैडल की मदद से। अब इससे मारने से ना मुझे बहुत दो लीड मिलेगी, इसकी मदद से मैं अबे ट्रेड करता हूँ थोड़ा। अबे यार अबे कहाँ गया, अबे ये तो जादूगर निकला, अबे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अबे ये तो जादूगर निकला। अबे मेरे घर के अंदर घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, हट, अगर दोबारा आए ना तेरी हड्डी पसली एक करके तेरे हाथ में दे दूंगा। अब देखो भाई कितनी ज़्यादा अच्छी लग रहा है मेरे घर, पर ऊपर की तरफ ना थोड़ी अच्छी नहीं लग रही मेरे वाटर के पास। अब मैं ना वाटर की मदद से वहाँ पर ही एक, अब मैं वाटर की मदद से ही ऊपर जाऊंगा और उसे ठीक करूंगा। ऊपर जाओ और साइड ओके। देखो भाई जैसे कि मैंने कहा था वाटर लिफ्ट, देखो ये वाटर लिफ्ट ही है, मैंने वाटरफॉल इसके कारण ही बनाया है कि मैं ऊपर नीचे अच्छे से व्यू देख सकता हूँ अगर मुझे ऊपर जाके देखना है तो, और अगर मुझे देखना है कहीं पर विलेज है या कुछ है, मुझे ऊपर से अच्छे से नज़र आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है। अब मैं ना नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा दिखाऊंगा नहीं उस डिज़ाइन को, पर मैंने क्या बनाया है, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा चेंजेस तो दिखाई देगा। अबे शीप के बच्चे, ये तो शीप के बच्चा नहीं शीप का माँ है। ओके अब मजाक बंद करवाए, अब मैं काम में लग जाता हूँ। अबे यार यहाँ पर एक गलत लग गया, अब मुझे जाना चाहिए ऊपर की तरफ। अब देखो भाई इतना कंप्लीट हो, अब मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया था,
देखो वो मैं ना आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ ना एक मैं आप कह सकते हो एक आंख की तरह, आंख हमें देख रही है उसकी तरह मैंने बनाया। अब इसे ढक दो भाई, ये अच्छी लुक नहीं दे रही हमारे घर को। अच्छा, ये अच्छा बन गया है भाई साहब। अब मैं अंदर की तरफ जाके ऊपर चल लेता हूँ। अब ऊपर चल के ना मैं वाटर लिफ्ट से ही ऊपर जाऊँगा, और मुझे थोड़ा वर्क और है ऊपर की तरफ। मैं ना यहाँ पर एक हमें घूरती हुई आंख जैसे एक थिंग बनाऊँगा। मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगा वो कैसे बनती है। अब इस तरफ ना बहुत बेकार है, मैंने उस ऊपर से व्यू देखा था, ये बिल्कुल बेकार दिख रहा था मेरा ना। मैंने कहा था आपसे, मतलब मैं अगर मेरे पास एक ही लाइफ है, अगर मैं नीचे गिरूँगा तो मैं मर जाऊँगा। वैसे ही मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए हेल्थ नहीं बढ़ी और एक में ही था, इसलिए मैं नीचे गिर के मतलब सारा काम ही बिगड़ गया भाई साहब। मेरा पिकेक्स ही मुझे नहीं दिख रहा था यहाँ पर। मैं ना उसे ढूंढने की ज़रूर कोशिश कर लूँगा, क्योंकि वो आयरन पिकेक्स थी भाई। मुझे ना उसे बहुत अच्छा लगता था उसे कट करने में, मतलब क्रिएटिव में कट कर रहे हो ना उसकी तरह मुझे लग रहा था, इसलिए मैं उसे रख रहा था। अगर मुझे डायमंड की मिल गई एक बार, मैं उसे तो संभाल के रखूँगा सिर्फ एक अच्छे काम, मतलब एक ज़रूरत काम के लिए इसे इस्तेमाल करूँगा। और उस माइनिंग के लिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। अब इसे कट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये ना ट्री बहुत गंदी लग रही है इसकी, मतलब इसकी आप कह सकते हैं ग्रास ऊपर की तरफ बुशेस, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे यार नहीं नहीं नहीं, देखो भाई इसका ही मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं नीचे गिरा भी मुझे तो कुछ चोट ही नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर ना एक ये वाटर है। वाटर की मदद से मैं जब जब मैं नीचे गिरूँगा ना तब तक मैं बचता ही जाऊँगा। अरे यार यहाँ पर तो क्राफ्टिंग टेबल है, इसे ढक दो भाई, ढक दो, मुझे मेरे घर को नहीं छोड़ना। अब ऊपर की तरफ एक और बार जा लेता हूँ। अब ये तो अच्छा है, आप देख सकते हो अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर एक, यार ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा इस घर के लिए, इसे बंद कर, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसे ले लेता हूँ। अब इसे ले लेता हूँ मैं ना इस वाटरफॉल की वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे एक अगर आप लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिएगा, मैं एक दिन ना एक मेगा एपिसोड रखूँगा एक घंटे का, और उसमें मेरा फेस भी दिखेगा। और वो फेस दिखने की तो मैं मतलब 23 के बाद ही रखूँगा, क्योंकि मैं उसकी कारण नहीं बता सकता। अब देखते हैं गन पाउडर अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो क्या होता है। अरे यार यहाँ पर तो कुछ नहीं, सिर्फ फ्यूल ही डलता है, मतलब कोल ही डलता है। मैं इसे ही थोड़ा पका देता हूँ। अरे मैंने कोल ही नहीं रखा, कहाँ पर पके गए। अबे ये क्या हो रहा है, पक ही नहीं रहे यार, मुझे मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है यहाँ पर। हर बार तो पक जाता है पर आज पक ही नहीं रहा यार। आप ही कमेंट में बताओ यार कि ये रॉ बीफ है ना, ये क्यों कुक नहीं हो रहा, आप बता दीजिएगा कमेंट में कि ये हमेशा कुक होता है या सबके साथ यही होता है या मेरे साथ ही ये हो रहा है, प्लीज़ कमेंट में लिख देना। अब मैं इस सबको स्टोर कर लेता हूँ अच्छे से, और इसके अंदर मैं आयरन इंगट सब कुछ रखूँगा। मैं ना ज़रूरी सामान मतलब आयरन इंगट
गन पाउडर सब कुछ इसमें ही रखूँगा। स्वॉर्ड वेपन्स मुझे ढूंढने में ना कुछ भी मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। जब मैं ढूंढूंगा तब ही मुझे मिलना चाहिए जब मैं एक प्रेस करूंगा। इसलिए मैं ऐसा सजा के रख रहा हूँ इसके अंदर। अब मतलब आपको लग रहा ही होगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर क्या करूँ, मुझे बनाते वक्त इतना वक्त लग गया। अब देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। अब मैं ना इन सब को ले लेता हूँ डेकोरेटिव सामान को, और मैं इसे रखूँगा इस चेस्ट के अंदर। मतलब डेकोरेटिव खाने की सामान सब कुछ इसमें रखूँगा, और जो माइनिंग करते वक्त और चीज़ें इस्तेमाल मतलब हथियार रहते हैं ना उसे मैं संभाल के साइड में रखूँगा। ओके।